एंड ऑन द बैक साइड अभी हम जा रहे हैं नेफ स्टेडियम, जो कि है स्टेडियम ऑफ गलातासराय। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, अगर मैं बात करूँ, टर्किश क्लब, और इस साल के 2022-2023 के चैंपियंस भी यही हैं। सो आप देख सकते हैं पीछे 23 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स लाइक दे वन इट फॉर द 23rd टाइम। एंड हाँ, बाकी की चीज़ें अंदर जाके हम देखते हैं। ओके, तो नेफ स्टेडियम आ चुके हैं एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रीफिंग देता हूँ। जो पीछे मेरे साइड है, दैट इज़ वेयर, जहाँ पे पुराने फुटबॉलर्स जो भी गलतासराय के हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, एक्स प्लेयर्स, एक्स लेजेंड्स, वो सारे पीछे बैठते हैं। अगर मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे अवे फैंस बैठते हैं। अवे फैंस आर ऑलमोस्ट 2500, जो कि यहाँ पे मेरे को गाइड ने बताया कि अराउंड 5% ही सारे टर्किश क्लब अवे फैंस को यहाँ पे एलोकेट करते हैं। सो वहाँ पे सिर्फ 2500 लोग ही बैठ सकते हैं। एंड दिस साइड इज़ वेयर द मोस्ट क्रेजी थिंग्स हैपन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्ट्रा फैंस बैठते हैं। वो सेक्शन डेडिकेटेडली वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रा फैंस को दे रखा है। एंड जहाँ पे मैं अभी हूँ, दिस इज़ वेयर द VIP स्टैंड्स आर। यहाँ पे मोस्ट लाइकली सारे पॉलिटिशियंस, जितने भी टर्की के पॉलिटिशियंस हैं, हाई प्रोफाइल लोग और VIP लोग ही आते हैं। और मेरे ऊपर शायद यहाँ पे जो है, वहाँ पे प्रेस के लोग बैठते हैं। जैसे आपको पता है, सारे प्रेस के जितने भी न्यूज़पेपर, लोकल पब्लिकेशंस, वो सारे यहाँ पे बैठते हैं। टोटल कैपेसिटी जो है इस पूरे स्टेडियम की, वो है अराउंड 60,000, जो कि सेकंड बेस्ट है पूरे टर्की के अंदर। एंड फर्स्ट पे ऑफकोर्स आदातुर्क स्टेडियम, जिसको अब मैन सिटी वाले व्लॉग में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो क्विकली मैं एक वो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या यहाँ से है एंगल के साथ, एंड यू कैन हैव एन आइडिया। भाई साहब, जस्ट ट्रॉफीज़ देखो भाई, ये सारी ट्रॉफीज़ गलातासराय ने जीती हैं। एंड लीग वन ट्रॉफीज़, मतलब पीछे भी मतलब ट्रॉफी हैं। मैसिव। एंड मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉकिंग एंड ट्रॉफीज़ एवरीवेयर। सम ह्यूज वन, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, बट अगर आप ईयर देखें तो सारी ईयर के साथ ही लगा रखी हैं। 15-16, उसके बाद 15 की सारी इधर हैं, 16। सो आई मीन, मैं एक वाइड व्यू लेता हूँ एंड जस्ट यहाँ से आप वापस देख सकते हैं कि सो मैनी ट्रॉफीज़।
और यहाँ पे पुरानी कुछ जर्सीज भी लगी हुई हैं, रेट्रो जर्सीज। एथलेटिको वर्सेस गलातासराय 15 सितंबर 2015। यहाँ पे बहुत सारे आपको पेनेंट जिसे बोलते हैं वो रखे हुए हैं, रियल मैड्रिड यंग बॉयज चैम्पियंस लीग अगेंस्ट शाल्के, रियल मैड्रिड, एफसी साइन, बेनफिका, बहुत सारे क्लब के यहाँ पे, रेंजर्स, फ्लोरेंटिना, सभी क्लब्स के यहाँ पे स्कार्स, और यहाँ पे रियल मैड्रिड की जर्सी भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ साइंड जर्सीज हैं और यूरो कप 2016 के फाइनल की जर्सीज, साइंड सब कुछ यहाँ पे साइंड, यूवेंटस, बार्सिलोना, वाह, काफ़ी ही अगर हम बात करें रिच हिस्ट्री है क्लब की। और यहाँ पे कुछ स्कार्स और भी आपको दिख जाएंगे, लिवरपूल के काफ़ी हैं, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इसके अलावा कुछ अगेन यहाँ पे स्टेडियम का आपको एक कटआउट बड़ा सा दिख जाएगा। आई थिंक लिवरपूल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं पहले, तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, यूरोपा कप जो गलातासराय जीती है, यूएफा कप फाइनल कोपेनहेगन 2000 के चैम्पियन, एंड आर्सेनल के साथ, आर्सेनल एफसी का ये काफ़ी ही हिस्टोरिक पीस है अगर आप देखें तो, डेविड सीमन, पैट्रिक वेरा, थेरी ऑनरी, अगर आप देखें तो मैं बस अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो 14 नंबर पे आपको दिख जाएगा थेरी ऑनरी। सो ये है टूर एंड होने के बाद आई वेंट टू द जी एस स्टोर जहाँ पर मैंने एक स्पेशल मिस प्रिंटेड जर्सी खरीदी जिसको आप वीडियो के एंड में चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा टूर होता है ख़त्म। बहुत ही अच्छा टूर था, सिर्फ 100 टर्किश लीरा लिए जो कि आई थिंक अराउंड 450 रुपये बनते हैं, बट वॉट अ टूर इट वॉज। एक छोटी सी मूवी भी दिखाई उन्होंने जहाँ पे वो अपनी हिस्ट्री बता रहे थे कि कैसे गलातासराय फॉर्म हुई, कैसे उन्होंने जब स्टार्ट करा था, तो मेरे को कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट मोहन बगान जैसा मेरे को लगा, क्योंकि अर्लियर जब उन्होंने मूवी स्टार्ट करी तो उसमें बोला कि दे वांट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश टीम्स, मतलब जब उनका क्लब फॉर्म हुआ तो दे वॉन्टेड टू फाइट ऑल द नॉन टर्किश टीम्स के साथ उनको मुकाबला करना था, एंड वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो उनकी पहली जो जर्सी थी वो लाने की स्टोरी, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसी लगी कि यार इट वाज काइंड ऑफ जैसे हम हमारे हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं कि एक स्ट्रगल, उससे रिलेटेड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पीछे टर्किश फ्लैग, और आपको हर जगह वहाँ पर टर्की के आपको इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। एंड टर्की में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो बहुत सारे टॉप यूरोपियन प्लेयर्स जो भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने प्राइम पे, बट उसके बाद दे प्रेफर टू कम एंड प्ले एट गलातासराय। वन ऑफ देम बीइंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, डीडीआर ड्रॉगबा, स्नाइजर, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे आके खेलते हैं, और रीसेंट वन बीइंग इकार्डी। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। इसी के साथ अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेडियम में जो कि है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि दे माइट किल मी फॉर दैट, बट नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द, डू चेक इट आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।